सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवाशुभानवी देवी दयिताय कृपावते कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुरोज्ज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहे नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाय अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंभार संबोध पादंबुजाय ते नमः नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हरे कृष्ण। तो हम सबका बड़ा सौभाग्य है आज उदय हुआ है और आप सबके साथ में मेरा भी कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। ये देखने में तो एक साधारण सा घर दिखता है लेकिन ये साधारण नहीं है। जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो गोवर्धन की परिक्रमा पे राधा कुंड बताया गया श्री रूप गोस्वामी के द्वारा सबसे उत्तम स्थान है राधा कुंड। तो जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो हम कौन से स्थान पर जाते हैं? राधा कुंड। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं इस पूरी पृथ्वी पर सबसे सुंदर स्थान, सबसे पवित्र स्थान है तो कौन सा है? तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो गोवर्धन परिक्रमा है उसमें पूरी पृथ्वी पर सबसे सुंदर स्थान कौन सा है, सबसे पवित्र स्थान? नहीं, पूरी पृथ्वी पर सबसे सुंदर स्थान है मथुरा, क्योंकि वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है ना। जन्माष्टमी मनाते हैं कहाँ पर? मथुरा में। मथुरा सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेशामृत में, सर्वश्रेष्ठ स्थान मथुरा। मथुरा से भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? हाँ जी, वृंदावन। क्योंकि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं करी, बाल लीलाएं करी। और वृंदावन से भी सबसे स्थान कौन सा है? क्योंकि वहां भगवान ने अपनी चंद्र सरोवर पर रास लीला करी राधा रानी और कृष्ण के साथ। और उससे भी सबसे स्थान गोवर्धन पर कौन सा है? राधा कुंड और श्याम कुंड। राधा कुंड श्याम कुंड के साथ साथ ललिता सखी का भी एक कुंड है, ललिता कुंड बोलते हैं परिक्रमा के दौरान। तश्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो कि भगवान की मंजरी हैं तो वो भगवान से दूर कैसे रह सकते हैं? तो यहाँ सामने चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान हम कल गए थे
तो वो क्या कहलाता है, गोकुल महावन। राधा कुंड श्याम कुंड भी गए थे, और यह जो स्थान है ये ललिता कुंड का जो बगीचा है जिसको स्वानंद सुखद कुंज गोलोक वृंदावन में कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वानंद सुखद कुंज। स्व आनंद यानी कि स्वयं ही आनंद की प्राप्ति होती है, स्वानंद स्वयं का आनंद, सुखद कुंज। कुंज होते हैं ना जहाँ झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर राधा और कृष्ण लीलाएं करते हैं, स्वयं ही आनंद की अनुभूति होती है, स्वानंद सुखद कुंज। इसलिए उन्होंने अपने घर का नाम आपने ऊपर पढ़ा होगा, यहाँ बाहर पढ़िएगा नहीं पढ़ा तो, इस घर को जब उन्होंने बनाया तो नाम रखा स्वानंद सुखद कुंज, क्योंकि एक मंजिल ही ललिता सखी के स्थान को छोड़कर कहाँ जा सकती है। तो हमारे जितने भी आचार्य हैं गौड़िया वैष्णव, हम लोग गोपी भी नहीं हैं, हम लोग जो हैं, मतलब अगर इसको गौड़िया वैष्णव विचारधारा से देखें, हमारे जितने आचार्य हैं कोई गोपी गोप ये सब नहीं है, केवल कौन है, मंजरी, रूप मंजरी, लवण मंजरी है ना, आनंग मंजरी, लभंग मंजरी, नयन मंजरी, विलास मंजरी, कमल मंजरी। तो इस प्रकार से सारी मंजरी, मंजरी कौन होती है, जो भगवान राधा कृष्ण की लीला में, रात्रि काल की लीलाओं में प्रवेश कर सकती है, उनको कहते हैं। हाँ ये जो है ना कौन है, मंजरी है। दिन में तो गोपियां रहती हैं, सखा रहते हैं, लेकिन नाइट टाइम पास टाइम आपके बेडरूम में जहाँ आप और माता जी हों वहाँ पर कौन आ सकता है, कोई भी नहीं आ सकता, नो वन अलाउड। लेकिन कुछ अलाउड हो जाए तो या तो उनका अपना बच्चा हो सकता है, वो भी छोटा हो, लेकिन राधा और कृष्ण जब रात्रि निशा अंत लीलाएं करते हैं, निशांत निशान यानी रात्रि, अंत यानी निशा, जब अंत हो रहा होता है, निशा निशा लीला निशान काल या निशांत लीलाएं करते हैं, उस में प्रवेश दिलाते हैं मंजरियों को, जिनकी अवस्था गोलोक वृंदावन धाम में 9 वर्ष से कम की रहती है, और वो मंजरियाँ ही गोस्वामी बनकर के हमारे वृंदावन धाम को खोजा। तो वृंदावन धाम को खोजने वाली मंजरियाँ, रूप मंजरी है ना, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 मंजरी। अभी प्रश्न उठता है मंजरी थी तो मंजरी तो स्त्री होती है ना, गोस्वामी बनने की क्या जरूरत है, पुरुष क्यों बन गई। वैसे तो आत्मिक स्तर पर नाम पुरुषो न स्त्रियो न नपुंसक हो, नाम स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है, जैसे जल का कोई रंग नहीं है, जल को जिस पात्र में डाला जाए वैसी शेप लेता है और जिस रंग में मिलाया जाए वो रंग उस पर चढ़ता है, ऐसी आत्मा का अपना कोई न पुरुष है न स्त्री है न नपुंसक है, आत्मा भोग्या है और भगवान कृष्ण भोगता है। तो ये वाला स्त्रीलिंग जेंडर नहीं है, अच्छा अच्छा हम स्त्री हैं, सारी स्त्रियाँ हैं, तो आदमी पुरुष भी अपने को स्त्री समझकर बड़ा ऐसा बोलता है मैं स्त्री हूँ, ये तो बड़ी दुखद घटना घट गई मेरे साथ में स्त्री हो गया। हम केवल जेंडर नॉलेज रखते हैं, जेंडर के ऊपर एक नॉलेज है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑन द सोल लेवल, आत्मिक स्तर पर, जिसमें कृष्ण केवल एक भोक्ता है और संसार भोग्या है। तो इन भोग्याओं को भोक्ता का ज्ञान दिलाने के लिए भोक्ता अपनी परम प्रिय मंजरियों को इस धरा धाम पर अवतरण दिलवाते हैं। तो धरा धाम पर जब अवतरण दिलवाते हैं तो क्या होता है कि इन मंजरियों को पुरुष रूप क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि कलयुग में जब चेतन महापुरुष स्वयं आते हैं सन्यासी का वेश धारण करके, तो सन्यासियों के पास एक नियम है कि वो स्त्री का सन नहीं कर सकते, स्त्रियों से दूर रहते हैं। तो अब मंजरियाँ उनसे दूर कैसे रहें, क्योंकि राधा कृष्ण की तो रात्रि लीला में होने जाना है। तो इस कारण से सारी गोस्वामी मंजरियाँ जो हैं वो पुरुष रूप में अवतरित हुई, कि हम कम से कम चैतन्य महाप्रभु रूप में राधा कृष्ण की सेवा तो कर पाए। और उसी क्रम में छठ गोस्वामी, जैसे छठ गोस्वामी कहते हैं 6 गोस्वामियों के क्रम में, सप्तम गोस्वामी है, 7th गोस्वामी श्रीला भक्ति विनोद भक्तिवनो ठाकुर को सप्तम गोस्वामी कहा गया, 7th गोस्वामी। क्यों? जिस प्रकार रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने वृंदावन के व्रज मंडल में जाकर के चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थलियों को खोजा, हम जाते हैं ना वृंदावन यात्रा पे, यहाँ दामोदर लीला हुई थी, यहाँ
ये मक्खन चोरी लीला हुई थी, ये यशोदा कुंड है, ये प्रेम सरोवर है, ये बरसाना है, कैसे बता देते हैं? क्योंकि तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने, वल्लभ भट्ट गोस्वामी, नारायण भट्ट गोस्वामी, वल्लभाचार्य, इन लोगों ने स्थलियों को ढूंढा, ये मंजरियों ने ढूंढा। अब चलो समझ में आया वृंदावन तो गोस्वामी ने ढूंढा, लेकिन वृंदावन से अभिन्न श्री नवदीप मंडल, गौर मंडल, इसको कौन खोजता? तो ये गोस्वामी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जिनके गुरुदेव थे, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो, कंफर्म जगन्नाथ बाबा जी, हाँ जी, उनके गुरु थे विपिन बिहारी गोस्वामी, उनके विपिन बिहारी गोस्वामी उनके गुरु थे। तो फिर जगन्नाथ बाबा जी की फोटो क्यों लगाती लाइन में लाकर? शिक्षा लेते थे। तो टीचिंग्स, शिक्षाएं मोर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारी संप्रदाय में। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दीक्षा गुरु को निग्लेक्ट करने की टीचिंग दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं क्योंकि हमारी परंपरा में अभी इस कौन में दीक्षा गुरु भी शिक्षा दे रहे होते हैं। लेकिन पहले ज़माने में दीक्षा गुरु कैसे होते थे? दीक्षा देते थे, फिर वो पर्यटन पर चले जाते थे प्रचार कार्य में, तो मीटिंग ही नहीं होती थी, तो कोई ना कोई ऑथेंटिक शिक्षा गुरु भी होते थे जो उनको टीचिंग देते रहते थे। लेकिन आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, दीक्षा गुरु भी क्लास ऑनलाइन देकर के शिक्षा दे रहे होते हैं, इसलिए वो शिक्षा गुरु भी होते हैं दीक्षा गुरु, पर एक ऑथेंटिक काउंसलर्स भी होते हैं जो कि शिक्षा गुरु का रोल प्ले करते हैं, टीचिंग्स देते हैं, अपने दीक्षा गुरु की शरणागति की शिक्षा देते हैं कि कैसे आपकी मति आपके दीक्षा गुरु में कैसे हो, ये शिक्षा देते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर का नाम था केदारनाथ दत्त, बंगाली थे, पहले इंडियन व्यक्ति हैं जिन्हें अंग्रेज सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की उपाधि दी, डीएम। किसके घर में बैठे हो? डीएम साहब का घर। जाते हो ना जिसको, जब दिखाता है कोई, कई कॉलोनी में मैं जाता हूँ, कई कई एरिया में, इलाहाबाद, बनारस, प्रीचिंग के लिए, तो भक्त दिखाते हैं, प्रभु जी ये डीएम कॉलोनी है, डीएम साहब का बंगला है, दिस इज डीएम साहब का बंगला, डीएम साहब के बंगले में कीर्तन, ये कैसे हो गया? केदारनाथ दत्त जो थे वकालत की, पढ़े लिखे डीएम बने, कृष्णा नगर जो हम फाटक पार करके सुबह गए वहां पर वो डीएम बनकर थे। अब डीएम साहब बैठे रहे, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे थे कोर्ट की, और उन्होंने 25 वॉल्यूम बेताल 25 सीरियल देखा है, विक्रम बेताल, किसने लिखा? केदारनाथ दत्त ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने। वो फिक्शन लिखा करते थे, उनकी राइटिंग की एक हैबिट थी कि मैं फिक्शंस लिखूंगा, स्टोरी राइटर होते हैं विक्रम बेताल, बेताल 25 कहानियां बेताल के ऊपर, भक्ति विनोद ठाकुर 25। तो इस प्रकार से ये जो कहानियां किससे लिखने की आदत थी उनकी, उनको पढ़ना लिखना पसंद था, एक स्वयं एक स्वाभाविक नेचर, एक टेस्ट था उनका। धीरे धीरे बड़े हो रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर, तो उनका विवाह हुआ और उनकी पत्नी भगवती देवी, जिनसे उन्हें धीरे धीरे करके 13 संतानों की प्राप्ति हुई। लेकिन वो कितने दिव्य पुरुष हैं, आदमी बोलेगा 13 बच्चे तो फिर तो काम ही पुरुष होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे आज होता है भारत में या विदेशों में या संसार में, कि व्यक्ति प्रयास करता है हमारे घर संतान हो, 100 बार प्रयास करता है तब एक बार उसके घर संतान होती है, कई बार तो होती भी नहीं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में बताते हैं, उन्होंने जीवन में केवल कितनी बार प्रयास किया, एक ही बार, और उसी बार में संतान की प्राप्ति हुई, इसको कहते हैं दिव्य संतान उत्पत्ति। उन्होंने अपने जीवन में अपनी पत्नी का संग केवल 13 टाइम्स, जिससे 13 संतान उत्पन्न। इसीलिए शास्त्र कहते हैं धर्म अविरुद्ध हो है ना, काम अस्मि, भगवान गीता में कहते हैं कि धर्म के जो विरुद्ध नहीं है वो काम भी मैं हूँ। यानी कि अगर भक्त बना सकते हो तो आप संतान उत्पत्ति करके ग्रस्त ब्रह्मचारी, ग्रस्त सन्यासी बन सकते हो, पर बच्चे होने चाहिए कौन? कृष्ण भक्त। अगर एक भी नौकरी पे चला गया, आईटी इंजीनियर बना दिया आपने, डॉग्स एंड कैट्स, फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं फिर आपने कुत्ते बिल्ली पैदा किए, पशु क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता हमारे घर संतान होने वाले। भक्ति विनोद ठाकुर ने प्लानिंग किया संतान उत्पत्ति। इसका मतलब यह है कि सब नौकरी छोड़ दें, इसका मतलब ये भी नहीं है, नौकरी करें
लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा दें बचपन से ही, क्या बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो केदारनाथ दत्त जो थे डीएम थे, बहुत टाइट शेड्यूल था। सुबह 4 बजे मंगल आरती करने के बाद आधे घंटे का रेस्ट। आप कहेंगे रेस्ट करते थे मंगल आरती के बाद? प्रभु जी आप तो हमें पूरा दिन नहीं करने देते। मंगल आरती के बाद थोड़ी देर रेस्ट, रेस्ट होने के बाद स्नान करके वकील मिलने आते थे अंग्रेज। कहते थे कि स्वामी जी, केदारनाथ जी, कुछ केस है, फाइलें फंस गई हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं अंग्रेजी केस। भक्ति विनोद ठाकुर केदारनाथ दत्त जो थे सुबह सुबह नीचे उतरते थे, कृष्णा नगर की बात बता रहा हूँ, और सॉल्व कर देते थे कोई भी केस। जिस केस को 2-2 महीने पेंडिंग हो रहे होते थे, 1 मिनट सॉल्यूशन रिजॉल्व। तो सारे अंग्रेज उनकी माला जब उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे, वैल्यू करते थे, बोले अरे इतने अच्छे भजन करते, इसके कारण आज ये प्रॉब्लम मटेरियल, एवरी मटेरियल प्रॉब्लम हैज अ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। लेकिन ये बात दुनिया को थोड़ी मालूम है। दुनिया सोचती है माला करेंगे, टाइम नहीं है। अरे आप माला करेंगे ना, आपके 24 घंटे 48 घंटे बन जाएंगे। आप कैसे सोते हैं, आप कैसे करते हैं, कैसे हो जाता है? माला करेंगे ना तो डीएम साहब ने करके दिखाया। तो केदारनाथ दत्त जो थे, उनके गुरु विपिन बिहारी गोस्वामी और उनके शिक्षा गुरु जगन्नाथ दत्त बाबा जी महाराज से शिक्षा लेते थे। उनके गुरु जी ने कहा कि तुम्हें भगवान चैतन्य का जन्म स्थान खोजना है। अब अपने गुरु की बात मानकर भक्ति विनोद ठाकुर, उनको नाम दिया, हम कहते हैं नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिनी, जिनका नाम ही सच्चित और आनंद से बना हुआ है, दिव्य पुरुष सच्चिदानंद नामिनी। गौर शक्ति स्वरूप आया, किस चीज का स्वरूप है? अब गौर 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 पूर्ते हम 2 दिन से घूम रहे हैं, अभी गौर गौर बोल रहे हैं। गौर शक्ति, गौर की शक्ति है, स्वरूप आया। कौन है? रूपानुगावराये थे, और वो रूपा गोस्वामी की परंपरा में आए हैं। रूपानुगावराये थे, उसमें वो आए हैं। ही इज हु गौर शक्ति स्वरूप है, इज नॉट नॉर्मल मैन, गौर शक्ति स्वरूप है। तो जो भी व्यक्ति प्रचार करता है अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। कभी कहते हैं ना, मैं भी प्रचारक बनूंगा या मैं भी करूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। तार शक्ति बिना नहीं परिवर्तन, जब तक उसकी शक्ति नहीं मिलेगी आप कर नहीं सकते। तो प्रीचिंग करना, इसीलिए जो व्यक्ति प्रचार करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? हिज ग्रेस इनके अंदर आया है, इसलिए हमको शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए उनको हिज ग्रेस कहके बोलना चाहिए। इट्स नॉट बिकॉज की अच्छा स्कॉन की एक सिस्टम है ना, हिज ग्रेस गौरव प्रभु आना, इट्स नॉट राइट। टिल द टाइम समवन इज नॉट प्रीचिंग, समबडी इज नॉट फॉलोइंग द परंपरा, हाउ कैन यू से हिज ग्रेस? हिज नॉर्मली इनिशिएटेड पर्सन बट नॉट हिज ग्रेस। तो इसलिए प्रभुपाद जी के नाम के आगे क्या लगता है? हिज डिवाइन ग्रेस। हिंदी में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी को आगे? कृष्ण, कृष्ण है, उन्होंने कृपा करनी है, मतलब भगवान कृपा करो, भगवान कृपा करो। कृष्ण, कृष्ण कृपा मूर्ति बनी एक, उसका नाम क्या है? प्रभुपाद। कृष्ण कृपा मूर्ति, ऐसी गौर शक्ति मूर्ति। कौन है वो? भक्ति मूर्ति, इज नॉट नॉर्मल। तो ये समझना चाहिए। तो केदारनाथ दत्त जो थे उनका शेड्यूल 7 बजे प्रॉब्लम सॉल्व की घर पे, उसके बाद 9 बजे कोर्ट गए, कोर्ट में 1 बजे बहुत लंबी पेंडिंग फाइलें सब खटाखट। आदमी कहता है ना, सरकारी मत फंसना मत, सरकार में गए तो समझो जीवन निकल जाएगा, फाइलों के केस सॉल्व नहीं होते, 19 साल 20 साल केस चलते हैं, इसलिए लोग मर्डर करके निकल जाते हैं। टेंशन मत लो, इंडिया में आराम से होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, भक्ति विनोद ठाकुर के समय पर एकदम तुरंत सारी फाइलें सेम डे खत्म, 1 बजे घर आएंगे, अभी तक सुबह से कुछ 1 बजे आए, एक रोटी,
एक गिलास दूध या छाछ और चले गए अपने कमरे में। फिर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर 2 बजे उतरे, स्नान किया, खाना खाया, तो ऐसे नहीं कि तिलक उठ चलते, ऐसे नहीं, स्नान किया, तिलक लगाया, धोती कुर्ता पहना, ऊपर वकीलों वाला कोट पहना, कोर्ट जा रहे। 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक फिर दोबारा कोर्ट की पेंडिंग फाइलों को निपटाया। 5 बजे वहाँ से फ्री होकर के कृष्णनगर से आने में हमको कितनी आधा घंटा लगा ना, उधर बस से आए हम, आया करते थे पैदल या कोई गाड़ी लेकर के, और फिर इस प्रकार यहाँ पहुँच करके अपने कृष्णानगर स्थान में। तो कृष्णानगर में जब वो रहते थे और गौर उनके जगन्नाथ बाबा जी ने कहा तुम चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली खोज कर दिखाओ, तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु की स्थली खोजनी है तो आज सुबह मैंने बताया था कि गौद्रुम स्थान में अगर कोई कुटिया बना के भजन करता है तार पाए गौरांगे चरण, तो गौरांग को समझना है तो गौद्रुम द्वीप जाना पड़ेगा, कृष्णनगर मध्य द्वीप से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने यह स्थान खरीदा और स्थान का नाम रखा स्वनंद सुखंद कुंज, ये रखा गोद्रुम द्वीप, गो यानी सुरभि, द्रुम यानी पर पेड़, उस स्थान को, क्योंकि वो ललिता सखी का राधा कुंड पर वो स्थान है, सेम स्थान यहाँ पर है, ये उन्होंने खोजा और यहाँ रखा। अब ये सीढ़ी जो जाती है ऊपर, इसी सीढ़ी में ऊपर जाएंगे तो भक्ति विनोद ठाकुर और उनके सुपुत्र भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर का कक्ष, दोनों के कमरे आसपास। 13 बच्चों में बाकी बच्चे ग्रस्त और प्रचारक हुए, लेकिन एक हुए नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जिन्होंने कभी जीवन में न शादी करी न ब्रह्मचार्य व्रत का तोड़ा, पूरे जीवन में किसी स्त्री का चिंतन भी नहीं किया, नेवर। सोचो मतलब हम तो, हमारे तो सोच के परी की बात है, किसी का चिंतन नहीं करते थे। और उनका नाम क्या था, बिमल प्रसाद। जगन्नाथ भगवान की विमला देवी माता की कृपा से वह प्राप्त हुए थे भक्ति सिद्धांत विमल प्रसाद। कैसे पता चले कि वो दिव्य हैं, जब भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में टेंपल के प्रेसिडेंट भी थे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे, उस समय उनके 7वें नंबर के बच्चे विमल प्रसाद हुए विमला माता की कृपा से। तो जगन्नाथ जी का रथ निकल रहा था, रथ के ऊपर उनको चरणों में पैर दर्शन कराने ले गए, तो ऊपर से जगन्नाथ जी की माला भक्तिदान के गले में गिरी, तो उन्होंने कहा अरे माला गिरी है तो कोई दिव्य पुरुष है, और बाद में बड़े होकर के वो हिज डिवाइन ग्रेस नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीला भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर श्रील प्रभुपाद बने। जब वो निकलते थे जगन्नाथपुरी में घर से बाहर तो लोग घबरा जाते थे, बोले अरे केदारनाथ का लड़का तो नहीं घर के बाहर, बोले क्यों, बोले पकड़ लेगा तो, बोले क्या तुम देवी देवता काली पूजा करते हो, वैष्णव नहीं हो, निंदा करेगा और उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, उसके शास्त्र बड़े स्ट्रांग हैं। उन्होंने सूर्य के ऊपर सिद्धांत लिखा, सूर्य सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सूर्य पर सिद्धांत लिखा, संस्कृत के स्कॉलर भक्ति विनोद ठाकुर, DM का लड़का, वैसे आदमी कहता है बड़े आदमी का लड़का, DM का लड़का, वो यहाँ रह रहे हैं दोनों बाप बेटे, और बच्चे लोग कृष्णा नगर अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 2 रह रहे हैं, कौन, भक्ति विनोद ठाकुर और उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत। अब भक्ति विनोद ठाकुर जब यहाँ रहते थे तो उन्होंने विमल प्रसाद को कहा कि तुम्हें दीक्षा लेनी है तो मैं भी तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो इतनी पुस्तक लिखता हूँ। लेकिन कहा नहीं मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा, तुम्हें दीक्षा लेने के लिए गौर किशोर दास के पास जाना पड़ेगा, बाबा जी के पास। कहा वो तो अंगूठा छाप है। कहा गुरु अंगूठा छाप नहीं होता, वैष्णव अंगूठा छाप नहीं, जिसके पास हरि का ज्ञान है वो इस संसार की सारी डिग्रियों से परे की डिग्री का ज्ञान है, इसलिए सर्वोपरि डिग्री है हरि की डिग्री। कई बार लोग सोचते हैं ना हम बताएं गुरुजी को, गुरुजी शायद IT में उतने इंटेलिजेंट नहीं, आजकल सॉफ्टवेयर्स आ गए, गुरुजी हम ये कर सकते हैं। गुरु का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जिसके बाद हरि का ज्ञान है, जो कृष्ण को जानता है सर्वम विज्ञातम भवति, वो सब चीज़ों का विज्ञान होता है, उसकी नॉलेज होती है। तो उन्होंने भेजा गौर किशोर बाबा जी के पास गए और बोले मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। कहा तेरे पिता भक्ति विरोध ने चीटिंग करी तेरे साथ, संस्कृत का स्कॉलर है, सूर्य पे तूने सिद्धांत लिखा है, तेरा पिता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, अनेक ग्रंथ लिख रहा है, और क्या चाहता है मैं तुझे दीक्षा दूं, इससे बड़ा छल हो सकता है।
इससे बड़ा छल हो सकता है? जा यहां से, चला जा। कहा लेकिन मेरे पिताजी नाराज हो। कहा जा, मैं तुझे दीक्षा नहीं ले सकता, मैं अभी खुद ही भक्त नहीं बना तो तुझे क्या दीक्षा दूंगा। ऐसे कह के गौर किशोर बाबा जी ने भक्ति विनोद ठाकुर बोले मिली? अरे नहीं। कह रहे लो जब तक नहीं मिलेगी तब तक नहीं कुछ हो सकता। ये होता है सिद्धांत। अभी आप किसी पंडित जी को मिलिए, पंडित जी का बेटा एक भी श्लोक ना जानता हो, पंडित जी का बेटा पंडित जी का बेटा है, गुरु जी का बेटा है, गुरु पुत्र, गुरु पुत्र नहीं है, कोई पंडित जी का बेटा नहीं। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास विज्ञान है, जिसके पास भक्ति है, वही केवल पूजनीय है। कोई फैमिली पूजन नहीं है यहाँ पर सिस्टम, कोई फैमिली पूजन। प्रभुपाद जी के बेटा है तो उसकी पूजा करना जरूरी है? नो, प्रभुपाद का नो। ओनली वन हु इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु इज टू बी वर्शिप्ड, उसी की पूजा होनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ गोस्वामी जी के बेटे हैं तो उनकी गद्दी वो संभाल लेंगे ना? नहीं, योग्यता प्राप्त करोगे तभी कर सकते। भेज दिया तो बोले मैं गौरंग महाप्रभु से पूछूंगा तब तुझे दीक्षा दूंगा। बोले गौरंग महाप्रभु से पूछूंगा, गौर महाप्रभु कहाँ है? 18वीं शताब्दी में, वो तो 15वीं में हुए, 300 साल पहले चले गए महाप्रभु तो अपने नित्य धाम। बोले पूछूंगा तब दूंगा। तो फिर एक दिन पहुंच गया, बोले आपने पूछा? कहाँ? पूछा नहीं, मैं भूल गया। बोले आप पूछ लो। क्या रुक, पूछता हूँ। हाँ बंद की, हाँ पूछ लिया। क्या पूछा? कह रहे नहीं तुझे दीक्षा नहीं दे सकता। महाप्रभु ने कहा अब तो भक्ति सिद्धांत का हृदय ऐसा उद्विग्न हुआ, बोले आज तो मर जाना ही ठीक है। बोले देखिए गौर किशोर दास जी, दीक्षा देनी है दीजिए, नहीं देनी है तो मैं प्राण। हम क्या बोलेंगे? देनी है तो दीजिए, नहीं तो गुरु बदल लूंगा। लेकिन उनका प्राण त्याग वेट किया और दीक्षा जब वो कूदने लगे तो गौर किशोर बाबा जी चिल्लाए रुक, इतनी जल्दी क्या है, क्यों मरने चला है, कहीं शरीर का क्या फायदा जो आप जैसे दिव्य पुरुष की सेवा में नहीं लगा। बोले जल जलंगी, सामने नदी बहती है, स्नान करके आ, मैं तुझे अभी दीक्षा दूंगा। ये था दीक्षा का प्रोसीजर। IDC कर लिया प्रभु जी, दीक्षा कब होगी? प्रभु जी हमने ऑनलाइन कर लिया IDC, मैं दीक्षा कब होगी? दीक्षा गुरु को जानते हो, कौन है गुरु? आप जिससे करवाते हो हम तो किसे भी करवा लेंगे प्रभु जी। आप बोले प्रभु जी हम तो आपके सहारे हैं, मेरा सहारा खाटू संभाला, हारे का सहारा। हम सहारा नहीं, हम तो खुद ही लकड़ी पे चल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे दीक्षा नहीं होती है। दीक्षा गुरु के बारे में पढ़ो, दीक्षा गुरु को मानो, उसकी लेक्चर सुनो। लोग दीक्षा लेने आते हैं, इंटरव्यू लेते हो, पूछो गुरु के पुस्तकों के दो पुस्तक का नाम बताओ। बोले गीता भागवतम। बोले ये तो प्रभुपाद जी के, तुम्हारे गुरु जैसे दीक्षा लेने उनकी पुस्तक का नाम बताओ। 0 बटा सन्नाटा। अभी पूछ लूँ, टेस्ट हो जाए यहाँ पर तो आप खुद ही जानते कितने पास हो। ये तो दीक्षा लेके बैठे हैं, 10 पुस्तक के नाम बताओ गुरु जी की। ये संबंध है हमारे गुरु से। तो हम दीक्षा, ये होती थी प्रोसीजर, ये था, ये है डिवाइन रिलेशनशिप, संबंध ज्ञान, फिर उजागर होता है हृदय में भक्ति का बीज एक्चुअली। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत महाराज दीक्षा लेकर आ गए। फिर वो उनके गुरु गौर किशोर और उनके गुरु, क्योंकि गौर किशोर बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाओं की बड़ी तारीफ करते थे, क्या पुस्तक लिखता है, जबकि वो बाबा जी हैं, वो गृहस्थी हैं, फिर भी वो भक्ति विनोद ठाकुर की पुस्तक पढ़ते थे, कहते तुम्हारा भक्ति का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ। तो ये जो सामने है ये गौर किशोर बाबा जी का कमरा है, यहाँ बैठते थे इसमें, ऊपर 2 कमरे हैं उसमें भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत, तीनों नीचे यहाँ बैठे हैं। आज से 200 साल पहले तीनों बैठ करके हरी चर्चा करते, गौर चर्चा करते हैं। ये वो स्थान है, गौरंगा गौरंगा गौरंगा। तो गौरंग महाप्रभु की चर्चा होती है, खूब गहरा ज्ञान चर्चा का होता है। अब भक्ति विनोद ठाकुर जी शाम को 5 बजे जब ऑफिस से आते थे तो आने के बाद 500 नामहट सेंटर, आज मैंने बताया नाम प्रीचिंग सेंटर खोलते, हर जगह जगह लेक्चर होते, एक लीडर बनाते थे रघुनाथ प्रभु, तुम इस नामहट के लीडर। बोले आप भी तो आइए भक्ति विनोद जी। बोले मैं अगले हफ्ते आऊँगा, आज तुम्हारा सेंटर कैसा चल रहा है, तुम्हारा हर रोज़ किसी न किसी सेंटर में जाना। जीवन काल में 500 प्रीचिंग सेंटर खोल दिए, हर जगह लेक्चर, हर जगह जाना, इतनी प्रीचिंग, इतनी प्रीचिंग। और
आप प्रीचिंग करके आए हैं तो क्या बहुत खाना खाएंगे ना, गुड़ रबड़ी आइसक्रीम खाओ, प्रभु जी आप प्रचार करते मेरी थाली भर दो। नहीं, कुछ नहीं खाते। क्या खाते? दो चपाती फिर छाछ या दूध, और इसी से उनका उदाहरण। रात को 10 बजे सोते थे और 12 बजे उठकर बैठ जाते थे, फिर 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक ग्रंथों की रचना, क्योंकि नौकरी करते हैं, टाइम कहाँ है। लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी हम तो ग्रस्त में, टाइम नहीं है, तो रात को मत सो, टाइम निकालो, रिड्यूस कर दो स्लीपिंग अपनी। एक व्यक्ति गया प्रभुपाद जी के पास और बोला, प्रभुपाद जी मैं माला नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी मंदिर में सेवा दे रखी है, माला करने का टाइम नहीं है। प्रभुपाद ने, कितने बजे सोते हो? बोला 10 बजे सोता हूँ। राजा, उठते कब? 3 बजे उठता हूँ, सारा दिन सेवा करता हूँ, माला करने का टाइम नहीं। प्रभुपाद जी बोले, कितना घंटा लगता है माला करने का? 1.5 घंटा। तो ठीक है, 11:30 बजे सोया करो, 10 से 11:30 माला कर लो, 1.5 घंटे में सो जाओ। तो क्या कम करना है? लेकिन ये रेगुलरली हर आदमी नहीं कर सकता, वो गौरव स्वरूप शक्ति है हर व्यक्ति प्रैक्टिकली। लेकिन हाँ, जो ऐसे महीने आते हैं, पुरुषोत्तम महीना, ऐसे महीनों में हमें अपना कुछ, जैसे लोग पूछते हैं, प्रभु जी आपका फास्ट है, सुबह के टाइम आप कुछ नहीं ले रहे। मैंने फास्ट वास्ट नहीं रखा है, प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा कम खा लें। नहीं, ऐसा नहीं है, नमक आया है मेरा व्रत तोड़ दिया, मैं भंग कर दूंगा तुझे, मेरा नमक धुला दिया, मेरा कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है मेरा। लेकिन प्रयास करना है कि थोड़ा कम खाएंगे, बस प्रयास। कोई ऑस्टेरिटी तपस्वी है वो कुछ नहीं, नथिंग, प्रयास। तो यही धीरे धीरे प्रयास, छोटे छोटे प्रयास, बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं, एफर्ट्स मर्सी करते हैं। तो इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर रात भर ग्रंथ लिखते थे। अब कृष्णानगर से गोद्रम द्वीप ये आ गया स्थान। अब जब यहाँ रहने लग गए तो कृष्णानगर जाना कम हो गया। तो जैसे हमारे भक्त हैं ना, छुट्टी ले लेके आते हैं, हमारे राम स्वरूप प्रभु ऑफिस में छुट्टी लेकर आए हैं, संजय प्रभु छुट्टी लेकर आए हैं, राहुल प्रभु है, सब लोग छुट्टियाँ ले लेकर के आए, गौरव भोला प्रभु हैं, छुट्टी लेकर के आते हैं, और छुट्टी में बोलकर आते हैं कि बड़ा स्पेशल कुछ काम है, है ना, झूठ बोलेंगे, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोल के बोले अभी जाना है, हमको बड़ा स्पेशल है, कुछ 2 दिन की शादी है घर में, बीमार है कोई, हमें जाना है, लेकर के नौकरी छोड़ कर आते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ये स्वतः, ऐसा नहीं कि कोई करना करवाता है, इस्कॉन वाले करवाते हैं ऐसा, करवा मन ही नहीं करता संसार में जाने का। सब कहते हैं बस प्रभु जी फुल टाइम यहीं आ जाओ, मन तो यही करता है, तो आ जाओ। तो कैसे आए? तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले क्या करूँ? तो भक्ति सांत कहते हैं, थोड़ी पिताजी हम चर्चा करेंगे, यहीं रहेंगे, डिस्कस करेंगे, हमें चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली खोजनी है। तो रात को 12 बजे इसकी छत पर, इसी घर की छत पर महाप्रभु की स्थली खोजने के लिए चिंता मग्न रहते थे, कई सारी डायरी ढूंढते थे भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि डीएम थे, सारी लाइब्रेरियों में एक बार फोन चला जाए डीएम साहब का लेटर तो कौन लाइब्रेरी एंट्री बंद हुई, सारी पुरानी डायरियां मंगवा ली, सारे जितनी भी लिटरेचर पुराना गौड़िया वैष्णव सब मंगा लिया, सबको खोलना, उनमें मैप्स ढूंढना, पता करना कहाँ 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 क्या है। और लिखा है भगीरथी तटे रमे, यानी गंगा नदी के किनारे भगवान का जन्म हुआ, लेकिन 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी 300 सालों में नदी ने अपना रुख बदल लिया, रिवर बेड चेंज हो गया। तो भगीरथी तटे रमे, भगीरथ नदी के किनारे तो इस्लामिक लोग रहते हैं, कुछ है ही नहीं महाप्रभु की जन्मस्थली, ना कोई तुलसी का पौधा, ना सुगंध है, ना कुछ है, समझ ही नहीं आ रहा। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कई बार ट्राई किया कि बिल्कुल लोकेशन, जैसे हम लगाते हैं ना GPS से, इधर से लेफ्ट लेंगे फिर राइट लेंगे फिर यहाँ ऐसे पहुँच जाएंगे हम, वो कोशिश करते थे, बार बार फेल होता था, नहीं हो रहा, लेकिन टाइम नहीं है, फिर नौकरी पर जाना है। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर रात्रि काल में यहाँ रहा करते, और रात में उन्होंने छत के ऊपर एक दिन जब सारे मैप वैप्स खोज लिए तो जलंगी नदी बहती है, छत से देखें तो जलंगी नदी है, सामने मायापुर मंदिर है, और मायापुर मंदिर के किनारे में, इस्कॉन मंदिर के किनारे क्या है? योगपीठ। योगपीठ क्या है कौन बताएगा? हाँ, जन्मस्थली। तो योगपीठ जो अभी है तब नहीं था योगपीठ, तब वहां पर मुस्लिम जो रिक्शा वगैरह चलाते थे वैसे लेबर वो सब रहा करती थी, उधर बकरी बकरा काटते थे ईद पर और वो सब रहते थे, और तुलसी के वन था उसे बकरियां खाया करती थी। तो रात में बैठे थे ऊपर और जप कर रहे थे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और रुदन घोर 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 चिंतन करते थे। अचानक से उनको दिव्य आकाश से, अंतरिक्ष से एक दिव्य प्रकाश पुंज नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया और एक स्थान पर गिरा और ऐसे करके एक प्रकाश में जैसे अनार बम होता है ऐसे फटा। उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, स्वप्न था सच्चाई थी। डायरेक्शन इधर जलंगी नदी से इतने डिग्री पर गिरा है। तो नीचे आए रात्रि काल में, तो भक्ति सिद्धांत वगैरह बोले नहीं रात में मत जाइए, सुबह हम सब चलेंगे। नहीं 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 मुझे जाना है, रात्रि में निकल गए नाव लेकर के। 2:30 बजे वहाँ खोज रहे हैं, जब पहुँचे वहाँ पर जहाँ दिव्य रोशनी गिरी है, एक सुगंध आ रही है। कह रहे हैं यहाँ बकरियाँ हैं, कि सुगंध कहाँ से आ रही है, ये लोग तो कोई अगरबत्ती पूजा नहीं करते, सुगंध कहाँ से आ रही है। तुलसी की सुगंध, अगरबत्ती की मकरंद खुशबू और नीम का पेड़। तुलसी के आसपास नीम का पेड़ कैसे है, भक्ति ठाकुर ने खोज लिया। अब लेकिन प्रमाणित कैसे हो, तो अपने गुरु जी के पास, जगन्नाथ दास बाबा जी के पास, और उनके पास रात्रि काल में का। जगन्नाथ बाबा जी तो सोते ही नहीं थे, 120 वर्ष के थे उनके गुरु, और झुक गए थे शरीर से, हाथ में माला, आंखें बंद, पलकों को उनका जो सर्वेंट था बिहारी पकड़ता था, जब कोई मिलने आता था महाराज जी कोई आए हैं तो साइड से पकड़ के उठाते थे, कौन, बोले भक्ति विनोद आया। अच्छा बोलो भक्ति विनोद। तो बोले मैं आया हूँ आपको बताने, हमने मतलब भगवत कृपा से मुझे चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थली पर प्रकाश पुंज का दर्शन हुआ है, तो क्या आप प्रमाणित करेंगे क्या वो मैंने सही स्थान खोजा इतने सालों में इतने समय में। तो बोले कि मैं चल नहीं सकता हूँ, कैसे प्रमाणित करूँ, फोटोग्राफी तो दे नहीं कि व्हाट्सएप पे दिखा देंगे कैसे करें। तो उनके बिहारी ने बोला कि जगन्नाथ बाबा जी महाराज को उठा करके ले जाना पड़ेगा, और मैं थका हुआ, मैं बहुत सेवा करता हूँ, खाना बनाता हूँ, ये करता हूँ, कपड़े देता हूँ, मैं नहीं ले जा पाऊँगा। तो भक्तिनाथ ठाकुर बोले कोई बात नहीं है, गुरु तो मेरे हैं, मैं अपने कंधे पर बिठा के ले जाऊँगा। तो गुरु जी भी अग्री कर गए, कंधे पर जैसे बेताल वैसे कंधे पर चढ़ करके मैं जाऊँगा। तो फिर बाद में बिहारी बोला नहीं नहीं चोट लग जाएगी बाबा जी को, टोकरी में बिठा के ले चलते हैं। तो टोकरी में बाबा जी को बिठाया, बड़ी सी टोकरी जिसमें मछली वगैरह ले जाते हैं ना, ऐसी टोकरी बड़ी, वो बड़ी टोकरी जूट की बनी है, जूट का होता है, जूट की टोकरी बड़ी, और उसमें बाबा जी को बिठा दिया, और बिहारी ने और भक्तिनाथ ठाकुर ने उठाया, और बिहारी ने उनके ऊपर रख दिया सिर पे, लो तुम ले जाने वाले थे लो लो। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने अपने गुरु जी को अपने सिर पर बिठा लिया। कहते ना अपने गुरु को तुमने सिर पर बिठा रखा, सिर पर बिठा रखा था, और सिर पर बिठा करके चल दिए। कहाँ जगन्नाथ बाबा जी महाराज रहा करते थे, और कहाँ योग, अगर आज भी इसी जगह से भी आपको जाना पड़े पैदल तो मुझे मुश्किल है, क्योंकि नदी पार करनी है, सब करना है। जगन्नाथ बाबा जी महाराज कहाँ रहते थे, हम कल जाएंगे दामेश्वर, आप एक बस में 1 घंटा लगेगा आपको वहाँ से यहाँ, यहाँ से जो पैदल 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 पूरी रात्रि चल करके लाए, सब तक सुबह हो गए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने पूछा बाबा जी महाराज से, पूछा मन में आया कि गुरु जी पूछूं तो कुछ पूछे, इससे पहले ही जगन्नाथ बाबा जी महाराज को अनुभूति हो गई कि ये तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, क्योंकि वो भी दिव्य पुरुष थे और सिद्ध पुरुष थे। तो उनके मन में जैसी अनुभूति हुई, तो वो टोकरी से 120 वर्ष का आदमी हवा में जंप मार दिया। मतलब हम भी अगर यहाँ से कूदे ना, लोग मुझे बोलेंगे जिसकी उम्र 40-45 साल है, अरे प्रभु जी संभल के चोट न लग जाए। वो 120 वर्ष के जगन्नाथ बाबा जी महाराज टोकरी से कूदे और बोले यही तो निमाई जन्म स्थान है। अद्भुत, खोज दिया हमने, यही तो निमाई जन्म स्थान है, फिक्स हो गया। बोले बस यही है, स्टैंप लगाओ। हाँ बोले योगपीठ बनाना है, मंदिर बनेगा यहाँ पर बाबा जी महाराज की इच्छा। नौकरी पे कब जाओगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, महीने हो गए नौकरी पे नहीं गए, छुट्टी 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 छुट्टी, सरकार करी क्या हो गया, अंग्रेजी सरकार थी, हिंदू भी नहीं थे, भारतीय नहीं थे, उनका फिक्स था। लॉर्ड आया करते थे यहाँ मिलने, लॉर्ड आए ऊपर बिठाया गया, इधर मीटिंग हुई लॉर्ड्स, भक्ति विनोद ठाकुर नीचे उतर के आए। जी बोले स्वामी केदारनाथ जी, व्हाई डू स्टे हियर, इतनी दूर, कृष्णानगर अच्छा घर था, आप यहाँ क्यों। बोले ये दिव्य स्थली है, आपको नहीं पता। बोले अभी फिर अगर दिव्य स्थली हो गया, आपका घर बन गया, चलिए। बोले नहीं मुझे एक और काम मिला है, मुझे जन्म स्थान खोजना है। बोले वो तो खोज लिया आपने, अब क्या। बोले मंदिर बनाना,
आपको बोला जाए नौकरी छोड़ के मंदिर बनाओ, द्वारका का बनाओगे? मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। तो चलो, आप कैसे वैष्णव और कैसे होते हैं जिनको भगवान मिलते हैं? तो भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला, देखो सिंपल सी बात है, कृष्णा नगर में ट्रेन चलती है, आज सुबह जा रहे थे फाटक पर, ट्रेन जा रही थी, कृष्णा नगर में ट्रेन है, यहाँ ट्रेन थोड़ी है। पहले तो मैं ट्रेन में बैठता था और कोर्ट आ जाता था, अब ट्रेन तो है नहीं जो मैं कोर्ट आ सकूँ, कहाँ कृष्णा नगर और कहाँ ये गोद्रम द्वीप, तो ट्रेन नहीं है, मैं आ नहीं पाऊँगा। तो कृपया करके आप एक काम करिए, आप चले जाइए, मैं एक रेजिग्नेशन लेटर लिख देता हूँ, आज से मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी है। लॉर्ड्स बोले, अरे इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति कैसे कैसे छोड़ सकते हैं? नो नो नो, वी कांट। बोले फिर क्या करना है? तो लॉर्ड ने तुरंत ही अपने अन्य दूसरे कर्मचारियों से बात करी और विदेशी सरकार को लेटर लिखा, और विदेशी ब्रिटिश राज पे लंदन लेटर गया, और लेटर का रिप्लाई आया कि इंडियन जो रेलवे है, जो ब्रिटिश सरकार ने एस्टेब्लिश किया, इंडियन रेलवे को बोलो कि एक ट्रैक, एक पटरी कृष्णा नगर से गोद्रम द्वीप तक डाली जाए, और उस पर एक डिब्बा डाला जाए जिसपे लिखा होगा ओनली फॉर केदारनाथ दत्त। उनको लेने के लिए रोज एक डिब्बा एक्स्ट्रा इंजन लगकर आता था, कृष्णा नगर तक जाता था, फिर बोगी में जुड़ता था, फिर जाता था। कभी मेट्रो वाले आपके घर के लिए एक लाइन डालेंगे? रेलवे ट्रैक डाला, और वो भी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी के काम नहीं आएगा, अंग्रेजों ने ट्रैक डाला हिंदुस्तानी के लिए। लोग बोलते ना अंग्रेजों ने राज किया, राज किया, अरे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने अंग्रेजों पर राज किया। यहाँ ट्रैक था भी, ये जब रोड कंस्ट्रक्शन हुआ ना तो ट्रैक जमीन के नीचे चला गया, वरना अभी 10-12 साल पहले जब हम आते थे इसी पेड़ के नीचे पूरा एक लोहे का नैरो गेज, नैरो ट्रैक था, पूरा ऐसे निकल के ये ट्रैक चला हुआ था। छोटी का, उसमें एक डब्बा भक्तिनाथ ठाकुर का स्पेशल इंजन के साथ आएगा, यहाँ से उनको ले जाएगा वहाँ कृष्णा नगर में, गाड़ी में जुड़ेगा, फिर उनको कोर्ट जाएंगे। कुछ नहीं है, बस ट्रैक था, वो भी अभी चला गया, वो भी चला गया। तो ऐसा भक्तिनाथ ठाकुर का, तो ये बहुत ही दिव्य स्थली है। और फिर भक्तिनाथ ठाकुर ने योगपीठ बनाने के लिए डोनेशन इकट्ठा करना शुरू किया, तो जितने भी उनके मित्र मंडली थे, आपसे डोनेशन बोला जाए लाओ तो आप खोलोगे प्रभु जी कोई देता ही नहीं है, अरे अपने चाचा से मांगो, क्या लेकर जाएगा चाचा ऊपर, ताऊ से मांगो, दादी से मांगो, नानी से मांगो, मांगोगे मांगोगे कहाँ मांगते हो, मांगो। भक्तिनाथ ठाकुर ने सारे रिश्तेदारों से मांगा, रिश्तेदार बोलते थे अगर तुमको पैसा देंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, बोले तोड़ दो, मेन है मेरा भगवान की सेवा, है ना। हमारे रस्तोगी जी हैं एकदम स्वच्छंद होके मांगते हैं सब लोगों से भगवान की सेवा के लिए, है ना, अच्छा भाव है इनका, ऐसे भक्तिनाथ ठाकुर का भाव था, सबसे लेना है, सबको लेना है, सबसे लेना है, किसी को नहीं छोड़ना है, अरे हमें बुरा बोलना है बोलो लेकिन हमें दो। तो उनकी मित्र मंडली, तो डीएम का अगर एक फोन कॉल चलेगा कौन मना करेगा डोनेशन के लिए। तो एक मित्र बोला, अरे केदारनाथ तो मेरे मित्र हो ना, मैं तुम्हें मेरे घर किसी को भेज देना, मैं दूंगा। नहीं, किसी को नहीं भेजूंगा, स्वयं आऊंगा रसीद काटने के लिए, डीएम साहब पर्ची लेकर काटने गए रसीद बुक। जब काटने पहुंचे तो उसने अंदर से उस जमाने में 18th सेंचुरी में 100 रुपए का नोट निकाल कर दिया, बोला ये मेरी तरफ से डोनेशन। उन्होंने कहा ना जी ना ना, इतना हमें नहीं चाहिए किसी एक से, अगर आपसे सब कुछ ले लिया तो ये जो नदियावासी हैं, जो इतने संसारी लोग हैं, इनको कृपा कैसे मिलेगी, क्योंकि जिसका 1 रुपया मंदिर निर्माण में लगता है भगवान उसके लिए गोलोक में घर बनाते हैं। तो सबको मौका देना है, ये भक्ति ठाकुर का भाव, एवरीवन। तो उन्होंने सबको इन्वॉल्व किया और उसके 999 रुपये भक्तिनाथ ठाकुर ने रिटर्न कर दिए, बोले आई विल टेक ओनली 1 रुपी फ्रॉम एवरीवन। तो हमारे स्कॉन द्वारका ने जो सुदामा सेवा शुरू करी उसका मेन थॉट यही था कि इंगेज एवरीवन, 500 रुपये लो, 1000 रुपये लो, पर इंगेज एवरीवन, इंगेज एवरीवन। क्योंकि फिर व्यक्ति का जहाँ धन जाता है वहाँ उसका मन जाता है, और जहाँ मन जाता है वहाँ उसका तन जाता है, फिर मंदिर आएगा, मंदिर आएगा तो माला करेगा, भक्ति करेगा। 1000 रुपये देगा ना, आदमी पूछेगा अपने परिवार वालों को मिलाने लाएगा, चलो चलो इस कौन शाम को, यहाँ मैंने भी ईंट लगवा रखी है ना। उसी प्रोसेस को लेकर इस कौन अपनी कंस्ट्रक्शंस करता है, वो सब चीज़ें चलती है। भक्तिनाथ ठाकुर ने योग पीठ का निर्माण किया, जब खुदाई हो रही थी तो उसमें से भक्ति सिद्धांत महाराज को क्या मिला,
जगन्नाथ मिश्र के अधोक्षज विष्णु की प्राप्ति है। अधोक्षज विष्णु नाम है उसका, अधोक्षज विष्णु चतुर्भुज रूप में उनकी स्थापना कर योगपीठ में आपने दर्शन किया। तो ये स्वनंद सुखद कुंज, यहाँ पर सिर्फ तपस्या तपस्या सिर्फ तपस्या और कुछ नहीं। और इसी के पास में सुरभि माता गैया जो थी, वो जहाँ सुरभि रहा करती थी जिस पेड़ के नीचे, उस स्थान का नाम है सुरभि कुंज। तो अभी हम जाएंगे वॉक डाउन गोद्रुम, तो दीप हुआ सुरभि गायत्री, तो इसलिए उसका कुंज का नाम पड़ा सुरभि कुंज। गोद्रुम तो द्वीप का हो गया पूरा, द्वीप द्वीप में एक प्लेस है जिसमें सुरभि खड़ी थी, उसका नाम सुरभि। सुरभि कुंज में जैसे गौ ने वृंदावन में गोवर्धन में सुरभि कुंड है, सुरभि माता ने अपने दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया, उसी प्रकार सुरभि माता ने गौरंग महाप्रभु का जब दर्शन हुआ किसको, इंद्र को, तो सुरभि ने उनका अभिषेक किया, इसलिए उसका नाम सुरभि कुंज। सुरभि माता ने यहाँ भगवान गौर का अभिषेक किया, उनका दर्शन पाया सुरभि कुंज। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उसका निर्माण किया, वो भी गौड़िया वैष्णवों का है, यहाँ से बस में भी जा सकते हैं, बसों को बोल दें तो पैदल भी जा सकते हैं, साइड में नदी को देखते हुए धीरे 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 थोड़ा है, जो नहीं चल सकते वो पैदल कीर्तन करते हुए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये भक्ति विनोद ठाकुर का बड़ा स्पेशल घर है, जहाँ पर उन्होंने गौड़िया वैष्णवों के 100 पुस्तकों को लिखा, यानी कि आज पूरे विश्व में जो आप इस्कॉन की पुस्तक पढ़ रहे हो, बड़े बड़े आचार्य, ये भक्त हो प्रभु जी, ये महाराज जी, उनका उद्गम स्थल ये घर है। जय हो। हाँ हाँ, वैष्णव गौड़िया वैष्णवों की गंगोत्री जमनोत्री, माता जी कह रही बिल्कुल ठीक बात है, गंगा यहीं से प्रवाहित, यमुना यहीं से प्रवाहित, जैव धर्म पुस्तक प्रभु जी बोल रहे हैं, सब यहीं लिखा है, सब हरि हरि नाम चिंतामणि जैव धर्म। तो क्या होता है कि आचार्य लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति जमीन खरीदता है, एक व्यक्ति मकान बनाता है और तीसरा व्यक्ति सेल करता है। तो इसकी भूमि की नींव रखने वाले फाउंडर है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उस पर बिल्डिंग बनाई हिज डिवाइन ग्रेस नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ने, और उस बिल्डिंग को पूरे विश्व में सेल किया हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति विद्वान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। सो दिस इज हाउ दिस ऑल कम्स। और सेल करने के बाद उस फ्लैट में हम सब रहने आ गए, इस्कॉन फ्लैट में हम सब रहने आए, और उसी फ्लैट में जो पुराने फ्लैट में रहने वाले होते हैं हमारे जैसे, वो नए फ्लैट में आने वाले लोगों को बताते हैं इस फ्लैट की क्या क्या खासियत है, आपको ये मिलेगा, मेंटेनेंस बहुत कम है, चौकीदार बड़ा अच्छा है, और हम वो हैं हाँ स्कूल पास में है, गार्डन अच्छा है। तो इस तरह से ये सब शिक्षाएँ देना जो है इसी कारण से होता है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का घर हमने देख लिया, उसका दर्शन करेंगे, और अब हम सुरभि कुंज की ओर अग्रसर होंगे कीर्तन करते हुए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। हिताय निताय गौर हरि प्रेम आनंदे।